तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो भैया आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में जो PSL पाकिस्तान सुपर लीग का मैच नंबर 5 20 फरवरी को खेला जाएगा। तो ये खेला जाएगा भाई मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में, मुल्तान के होम ग्राउंड में मैच होगा। तो भाई इस मैच में आपको कैसे खेलना है, कैसे जीतना, कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शंस में लेने आपको प्लेयर्स, बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, अगर बॉलर्स इंपॉर्टेंट है तो स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, तो भाई सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये सब को यूज़ करके आप बहुत ही अच्छी टीम बना सकते हो और अच्छा खासा विन कर सकते हो। तो भाई वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला है आपके लिए, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है जिसको देख के आप यूज़ करके स्टैट्स यूज़ करके आप कमाल की ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बना सकते हो और आसानी से रैंक वन प्राप्त कर सकते हो। तो भाई पूरा वीडियो अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई किसी भी मैच में अगर आपको अच्छी रैंक प्राप्त करनी है, आपको जीतना है, ड्रीम इलेवन की टीम अच्छी बनानी है, आपको प्लेयर्स अच्छे सेलेक्ट करने, तो उसके लिए आपको पिच रिपोर्ट पता होना बहुत ज़रूरी है और पिच रिपोर्ट अच्छे से पता होना ज़रूरी है। देखो एक तो पिच रिपोर्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। एक आपको पिच रिपोर्ट मिलेगी फाइनल जो आएगी आपको यहाँ पे टॉस के बाद, ठीक है, जो टॉस टाइम पे प्रेजेंटेशन होती है वहाँ पे पता लगता है कि क्या है पिच की रिपोर्ट, तो वो सब आपको टेलीग्राम पे हमारे पता चल जाएगा। तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं पे आपको सब कुछ यहाँ पे बता पाऊँगा, वीडियो बना के बताना पॉसिबल नहीं रहता। तो भाई यहाँ पर बैटिंग विकेट है, ठीक है, पिच रिपोर्ट की बात करेंगे मुल्तान के स्टेडियम में। तो भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोर बनता है, ठीक है, पेसर्स को विकेट्स मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर्स के मुकाबले। स्पिनर्स को तो भाई मदद ही नहीं है, अगर आप लास्ट मैच जो यहाँ पे PSL का इसी साल में जो खेला गया, ठीक है, अगर याद है तो भाई उसामा मीर को सिर्फ एक लेग स्पिनर को विकेट मिली, सिर्फ एक विकेट मिली, ठीक है, और किसी स्पिनर को विकेट नहीं मिली, ठीक है, उन्हें भी सिर्फ एक ही विकेट मिला, वो भी सेकेंड इनिंग में जब कोलैप्स कर रही थी, ठीक है टीम। तो भाई आपने बैट्समैन लेके ज़्यादा चल रहे हैं, स्पिनर्स पर आप यहाँ पर फोकस मत करना, स्पिनर्स को आप छोड़ के चल सकते हो अनलेस वो ऑलराउंडर्स हैं, आपको बैटिंग से भी पॉइंट देके जा सकते हैं जैसे कि शदाब खान और इमाद वसीम फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो इन स्पिनर्स को आप ज़रूर से इंक्लूड कर सकते हो वरना आप स्पिनर्स को छोड़ के चल भी सकते हो। तो दोस्तों अभी ग्राउंड स्टैट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैच आप देखोगे 9 मैचेस खेले गए, एवरेज स्कोर 175 प्लस है, मतलब अच्छा खासा स्कोर, अगर आप 175 स्कोर बनता है तो यहाँ पे आपके लगभग भाई 200 पॉइंट हो जाएंगे अगर बैटिंग के देखोगे तो। भाई बैट्समैन मतलब कितने, लगभग 10-11 बैट्समैन, ठीक है, T20 है तो ऊपर के 6-7 बैट्समैन, तो 6-7 बैट्समैन आपको लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे देके जा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान में रखना। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो भाई 190 के अबव 4 बार बना, अगर इतना स्कोर बन जाता है तो आपको भाई पॉइंट और ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, अगर 200 बन जाता है तो भाई लगभग 300-350 पॉइंट आपको आराम से बैट्समैन यहाँ पे देके जा सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखा करो कि कौन सा प्लेयर मुझे कितना पॉइंट देके जा सकता है, तो वही फ़ायदेमंद आपके लिए रहता है, बाकी सब चीज़ बाद में, जौन सा पॉइंट प्लेयर आपको ज़्यादा पॉइंट देके जाए वही आपके लिए टीम में बेनिफिशियल होता है। तो आगे बढ़ते हैं और रिसेंट मैचेस की बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे बैटिंग सेकंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, फर्स्ट बैटिंग को ईजी है। अगर आप देखोगे तो लास्ट मैच में भी मुल्तान ने 185 बनाए पहले इनिंग में और सिर्फ 2 आउट, और कराची यहाँ पे किंग्स कलेप्स कर गई थी 130 पे 8 आउट। अगर आप देखोगे स्पिनर्स को विकेट मिली नहीं, सिर्फ एक विकेट जैसा कि मैंने बताया उसामा मीर को मिली थी और 9 विकेट स्पिनर को। उसके पहले मुल्तान और कराची का ही मैच हुआ था, यहाँ पे पेसर्स को 3 स्पिनर को 3 मिली थी, ये पुराना मैच है। तो आप ध्यान में रखना कि आप बैट्समैन और यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, पेसर्स को लेके चल सकते हो और ऑलराउंडर्स पे फोकस कर सकते हो। तो मैं अगर ऊपर के 2 मैचेस की ही बात करूं, ठीक है, तो आप देखोगे भाई 185 प्लस 130 यहाँ पे लगभग यहाँ पे 310 तो पॉइंट सीधा हो गए। अगर बैट्समैनों की बात करेंगे, विकेट मिली 10, अगर 10 विकेट को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 250, ठीक है, बाकी बोनस पॉइंट कर लोगे तो 300 भाई, तो यहाँ पे बोनस पॉइंट मिला के भाई बैटिंग में आपको लगभग 350-400 पॉइंट बैट्समैनों ने दिए थे, तो बैट्समैन यहाँ पे बेनिफिशियल रह रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल 13 मैच हुए हैं, दोनों टीम बराबरी चल रही है ऑलमोस्ट, 7 मैच जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 मैचेस जीते हैं, तो काफ़ी अच्छा मुकाबला होने वाला है, दोनों ही टीम यहाँ पे बैलेंस्ड है, दोनों ही अच्छी टीम्स हैं, एक आपको अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। कराची किंग्स थोड़ी हल्की टीम थी इसलिए मुल्तान ने यहाँ पर उनसे आसानी से विन कर लिया था।
तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? मैंने जैसा कि बताया कि पिच रिपोर्ट बहुत मायने रखती है कि कौन से प्लेयर को लेना है, वेदर रिपोर्ट बहुत मायने रखती है कि कौन से प्लेयर को लेके चलना है। तो उस सब को रिपोर्ट है जो लाइव, ठीक है, मैच के टाइम पर आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और टेलीग्राम पर आपको फ्री टीम भी मिलेगी जो हमारी फाइनल टीम होगी, फ्री गिवे मिलते हैं, बाकी सब मैचेज यहीं पर कवर होते हैं और बहुत ही कमाल की विनिंग होती है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 60,000 के ऊपर अपने पास मेंबर ऑलरेडी हैं, तो आप भी हमारी टीम ज्वाइन कर लीजिए, टीम्स ऑलवेज विन। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी के अभी जाओ और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। तो दोस्तों चलो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 क्या रह सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कॉलिन मनरो के साथ एलेक्स हेल्स ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। अगर आप लास्ट मैच में देखोगे तो भाई यहाँ पे कॉलिन मनरो, ठीक है, 5 रन, और उसके पहले 27 रन, 6 रन, 7 रन और 51 रन यहाँ पे कॉलिन मनरो की रिसेंट फॉर्म रही है। और अगर बात करूँगा वहीं पे एलेक्स हेल्स की, ठीक है, इन्होंने भाई लास्ट मैच में 36 रन किए और उसके पहले 50 रन, उसके पहले 21, उसके पहले 66 और 6 रन किए। तो यहाँ पे जो एलेक्स हेल्स हैं अच्छी खासी फॉर्म में और रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। शादाब खान की बात करूँगा तो भाई कमाल का यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। एक तो बेनिफिट है कि ऊपर बैटिंग करने आने लगे हैं अभी, ठीक है, उसके बाद बॉलिंग भी करके देते हैं 4 ओवर और बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं। तो सबसे सेफेस्ट पिक स्मॉल लीग में ग्रैंड लीग की यही रहने वाली है। अगर लेकिन आपको बताऊं, अगर आप रिस्की प्लेयर हो ना, रिस्क लेना चाहते हो, तो इन्हें कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी से हटा के किसी और पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप वो आपकी ट्रिक काम कर गई तो आप भाई अल्ट्रा क्लीन स्वीप करके जाओगे, मेरी बात याद रखना, क्योंकि भाई हर कोई शादाब खान को कैप्टन करके लाएगा स्मॉल लीग टीम में। तो भाई उसके बाद आगा सलमान की बात करूँगा, एक अच्छे यहाँ पे प्लेयर है, ठीक है, और जो पहला मैच हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, पीएसएल का पहला ही था इस साल, उसमें भी 64 रन गए मात्र 31 बॉल में, ठीक है। तो एक अच्छे प्लेयर है भाई, अच्छे पॉइंट देके जा सकते हैं और कभी कभार ऑफ स्पिन गेंदबाजी से भी अपना कमाल दिखा सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छी और इंपॉर्टेंट पिक रहने वाली है आगा सलमान, ठीक है। उसके बाद आजम खान है, उतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं रहेगी क्योंकि नीचे बैटिंग करने आते हैं। हैदर अली है, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट पिक नहीं, नीचे बैटिंग करने आते हैं। इमाद वसीम, जैसा कि मैंने बताया भाई, बैटिंग तो नीचे करने आते हैं, पर अगर हम देखेंगे कि बॉलिंग भी करनी है तो आप उस हिसाब से छोड़ के चल सकते हो अगर आपको इनसे कोई बेटर प्लेयर मिलता है। तो फहीम अशरफ है यहाँ पे, ठीक है, विकेट टिकिंग गेंदबाज है, विकेट लेते रहते हैं। नसीम शाह, ठीक है, आपको पता ही है भाई कितना प्रॉमिसिंग प्लेयर है ये, कितना तेज तरार बॉलर है। उसके बाद यहाँ पे भाई उबैद शाह, नसीम शाह के भाई हैं, ठीक है, अंडर 19 खेल के आ रहे हैं, इनके ओवर कट सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे गेंदबाज हैं, ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। टाइनमल मिल्स हैं, ठीक है, T20 स्पेशलिस्ट हैं, हरली खेलते हैं, एक आपके लिए अच्छी पिक रहने वाली है। इनमें से 4 ओवर यहाँ पे शादाब खान कर लेंगे, ठीक है, इमाद वसीम मोस्ट प्रोबेबली, नसीम शाह करेंगे और टाइनमल मिल्स बाकी उबैद शाह वगैरह में और इमाद वसीम में ओवर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इमाद वसीम मैंने फहीम अशरफ में कट देंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि कौन सा बॉलर 4 ओवर करेगा और स्पिनर को आप अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स की। भाई प्लेयर स्टैट्स की बात करूँगा तो भाई हेड टू हेड में यहाँ पे 6 इनिंग में 157 रन है वेन्यू पे, देख सकते हो। एलेक्स हेल्स 5 इनिंग में 121 रन और 1 इनिंग में 29 रन है वेन्यू पे। शादाब खान का अच्छा रिकॉर्ड है भाई, विकटे भी हैं और रन भी हैं। उसके बाद आगा सलमान का भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड, ठीक है। आजम खान का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है और इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर भी नहीं क्योंकि नीचे बैटिंग करने आएंगे। सेम वही स्कैनरियो है हैदर अली के साथ, इन्हें भी आप ड्रॉप करके चल सकते हो, बाकी ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद इमाद वसीम है, इनके टीम में के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। फहीम अशरफ है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खेले हुए भी हैं पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल लगातार खेलते आए हैं। नसीम शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बॉलर इनके पास है नहीं है, इनके पास नहीं मतलब ओवरऑल मैच में आपके पास उतने है नहीं है कि आप नसीम शाह को ड्रॉप करना चाहो। उबैद शाह, ठीक है, वही मैंने बताया कि आप ड्रॉप करके चल सकते हो। टाइनमल मिल्स एक इंपॉर्टेंट अच्छी पिक रहेगी क्योंकि अपनी स्लोअर बॉल से कभी भी किसी भी विकेट पर विकटें निकाल सकते हैं, स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। बॉलिंग सेकंड में भी भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में क्योंकि भाई डेथ में बॉलिंग करते हैं तो टीम मारने जाती है, तो विकटें यहाँ पे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात होगी यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अभी चलते हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ।
तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे। मोहम्मद रिजवान आप सबको पता ही है भाई, कितना बड़ा प्लेयर है, क्या कर सकता है, ठीक है, और करता भी आया है, ठीक है। आपको पता ही है भाई, इंडिया के खिलाफ भी बहुत ही अच्छा खेलता आया है, ठीक है। उसके बाद भाई डेविड मलान भाई बहुत ही अच्छा T20 का प्लेयर है, नंबर 1 T20 बैट्समैन रह चुका है रैंकिंग में, ठीक है। तो डेविड मलान काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, इन्हें ज़रूर से पिक करके चलना। और उसके बाद रीज़ा हैंड्रिक्स, ये भी भाई साउथ अफ्रीका के काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक हैं और मुल्तान की टीम में भी इंपॉर्टेंट पिक हैं। तो भाई जो 3 ऊपर के बैट्समैन है ना, तो ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हो सकता है कि भाई ये 3 ही बैटिंग कर रहे हैं, इसके नीचे किसी की बैटिंग ही ना आए, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि बैटिंग का मैं बोल रहा हूँ, बैटिंग विकेट है। तो उसके बाद यासिर खान है, एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे क्लासिक प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट मैच में नीचे बैटिंग आई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे खुशदिल शाह जो कि एक अच्छे हार्ड हिटर है, इनको ऊपर भेजा था, तो खुशदिल शाह को ऊपर मिल सकती है। बाकी इफ्तिकार अहमद की बैटिंग है, ये भी एक अच्छे हिटर है, बट बॉलिंग भी करते हैं कभी कभार, ठीक है। लास्ट मैच में भी बॉलिंग करी थी, थोड़े यहाँ पे महंगे ही साबित हुए थे। उसके बाद डेविड विली है, हर एक लीग खेलते हैं, तो विकेट टेकर है, अच्छा स्विंग भी होता है इनका, तो इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। अब्बास अफरीदी एक अच्छे यहाँ पे तेज़ गेंदबाज है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद अली भी अच्छे खासे गेंदबाज हैं, इनको भी आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसामा मीर लेग स्पिनर, जो कि लास्ट मैच में एक ही विकेट निकाला था। उसके बाद शाहनाज दहानी आपके पास, ये एक इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, क्योंकि भाई अच्छे विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, तो इनकी टीम में से ज़रूर से ये ट्राई कर सकते हो। तो भाई मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11 की बात होगी, अभी इनके प्लेयर की स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान का भाई हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, और वेन्यू पे उससे भी अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे तो कमाल का रिकॉर्ड है, तो भूलना मत, ट्राई कर लेना। डेविड मलान, ठीक है, हेड टू हेड और हेड टू हेड में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, पर वेन्यू में हाफ सेंचुरी जड़ चुकी हैं। उसके बाद रीज़ा हैंड्रिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट मैच में वेन्यू पे 79 रन करके आ रहे हैं। यासिर खान है, उसके बाद इफ्तिकार अहमद है, उतने इंपॉर्टेंट पिक शायद नहीं रहेंगे, बट अगर बैटिंग ऊपर आ जाती है, ऊपर के विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनके ज़रूर ज़रूरत पड़ सकती है। खुशदिल शाह उसके बाद, ठीक है, हार्ड हिटिंग के लिए यहाँ पे ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद बाकी प्लेयर्स की बात करें तो डेविड विलिया यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पिक। अब्बास अफरीदी हैं, ये भी एक अच्छे पिक है, वेन्यू पे रिकॉर्ड देखोगे तो भाई बहुत ही कमाल का, तो वेन्यू के अकॉर्डिंग ये ज़रूर से पिक रहने वाली है। मोहम्मद अली का भी यहाँ पे अच्छा रिकॉर्ड है वेन्यू पे। उसके बाद उसामा मीर है यहाँ पे लेग स्पिनर, ठीक है, इनका भी अच्छा रिकॉर्ड है, विकेट टेकिंग गेंदबाज, ट्राई ज़रूर से करना कर सकते हो अगर करना चाहो, ठीक है। उसके बाद शाहनवाज धनी है, 2 मैच में 1 विकेट निकाल लिया दोनों हेडवर्ड और वेन्यू में। तो ये हो गई प्लेयर स्टैट्स की बात, अभी आइए देख लेते हैं इस मैच में हमारी टीम क्या रहने वाली है। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विजन 11 ऐप से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो भाई यहाँ पे भाई कल के मैच में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में जो मैच खेले जा रहा है, तो इसमें आपको विजन 11 की तरफ से फ्री में 20,000 रुपये का गिवे मिलेगा। मतलब भाई आप 20,000 का कंटेस्ट बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो बिना कोई एंट्री फीस दिए। तो भाई अभी के अभी डाउनलोड कर लो, यहाँ पे डेली के फ्री गिवेज होते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रेफर कोड आपको डालना है ड्रीम टू विन, 2 डालना आपको काउंटिंग वाला, नंबर्स वाला, ठीक है। ड्रीम टू विन रेफर कोड आपको डाल के रजिस्टर कर लेना है। इसके अलावा भाई यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे एंट्री फीस, आप हेड टू हेड कंपैरिजन देख सकते हो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट का, जहाँ पे भाई अदर एप्लीकेशन पे 5,750 लगते हैं, विजन 11 पे सिर्फ 5,199 रुपये लगते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, आपका बहुत ही फ़ायदा होगा, और सबसे कम कमीशन यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कम कमीशन काटा जाता है, बहुत ही कम एंट्री फीस है, बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, आसान से विनिंग हो जाती है। तो अभी के अभी डाउनलोड कर लो विजन 11, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाई इन्वेस्टमेंट यहीं पे किया करो, अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना, अच्छा खासा आपको लॉस रिकवर करना, तो विजन 11 आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अभी के अभी जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लो और गिवअवेज ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई यहाँ पे अभी टीम दिखा देता हूँ, तो भाई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू टॉस रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, ये सब को मायने रखते हुए हम टीम बनाएंगे, फाइनल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन है, एलेक्स एल्स, डेविड मलान, रीज़ा हैंड्रिक्स है मेरे पास, शदाब खान और इमाद वसीम है। तो भाई इसमें क्या होगा कि अभी 1 से 2 बैट्समैन इंक्लूड करूँगा मैं, वो होगा
बैटिंग पे कि कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, कौन सी बॉलिंग, ठीक है। तो भाई जीएल के डिफरेंशियल पिक्स आप देख सकते हो, इन्हें आप जरूर से यहाँ पे ग्रैलिक में ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भाई इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे के जाना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए एंड गुड बाय।